एहतसाब नैब ने जो है वो शराब लाइसेंस जो उस्मान बुजदार की जानब से जारी किया गया था उन्हें अबूरी जमानत हासिल कर रखी है, उसके खिलाफ नैब ने अब दरख्वास्त जो है वो जमा करा दी है और दरख्वास्त की है कि उस्मान बुजदार की जो अबूरी जमानत है उसे खारिज किया जाए। इसमें उन्होंने मौकफ इख्तियार किया है कि उस्मान बुजदार के खिलाफ जो है वो इन तहकीकात जो है वो शुरू है और इन पर नोटिस भी उनको जारी किया गया मगर वो उसमें पेश नहीं हुए और उन्होंने जो मौकफ इख्तियार किया है नैब के हवाले से और उस बुरी जमानत जिस पे हासिल की गई है वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हकायक को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उस्मान बुजदार ने महकमा एक्साइज से शराब के लाइसेंस जारी करवाने के हवाले से दबाव भी डाला था जिस पर उन्होंने लाइसेंस जो है वो जारी किए हैं और क्योंकि इस वक्त एहतसाब अदालत जो है उसने 5 दिसंबर तक इनकी अबूरी जमानत में जो है वो तौसी कर रखी है और इस पर नैब ने अब दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक खान अपडेट करने के लिए।